नमस्कार, YouTube चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं विजय सिन्हा आज आपके लिए लेकर आया हूँ कैल्शियम कैसे शॉर्ट में जल्द से जल्द निकालें ताकि आपका समय एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा बच सके। इससे पहले जो आप कैल्शियम निकालते थे वो एक सीढ़ीनुमा मेथड में था, वो आप एक लंबा मेथड में जाता था। अब आप देखिए कैसे 2 अंक का 3 अंक का 4 अंक का 5 अंक का कैल्शियम कैसे शॉर्ट में निकालते। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मुझे इस तरह का चैनल इस तरह का प्रोग्राम लाने में मुझे प्रेरणा मिल सके। देखिए जैसे मान लीजिए 4 और 8 है, इसका एलसीएम अगर निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, जिसका टेबल में आगे का चीज आएगा पीछे वाला में छोड़ देंगे। जैसे 4 का टेबल में 8 आता है तो आप 4 का छोड़ दीजिए, यानी एलसीएम क्या होगा 8 होगा। ठीक है, उसी तरह देखिए 2, 4, 6, 8, 10 पहले 4 अंक लेते हैं। देखिए आप मान लीजिए 2 है 4, ठीक है 2 का टेबल में 4 आता है, 4 को आप रहने दीजिए। अब 4 का टेबल में 8 है, 4 को भी छोड़ दीजिए, यानी हमको सिर्फ 6 और 8 का निकालना है। यहां पर आपको क्या करना है, 6 और 8 2 से काटिए 2 3 6 2 4 8, यानी 8 से 3 को कीजिए या 6 से 4 को कीजिए, क्या होगा 24 होगा। अब मान लीजिए फिर और अंक हम बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12, ठीक है इस स्थिति में क्या है 2 का टेबल में 4 आएगा 2 को छोड़ दिए, 4 का टेबल में 6 है 4 का टेबल में 8 आएगा 4 को छोड़ दिए, 6 का टेबल में 12 आएगा। कहीं भी आए उसके पहले वाला अंक को आपको छोड़ना है, यानी इस तीनों डिजिट को छोड़ने के बाद अब मुझे सिर्फ इस 3 डिजिट का निकालना है, यानी 8, 10 और 12 का अगर मान ये लेते हैं तो अब इसको काटिए 4 से 4 2 8 4 3 12, यानी 12 से 2 को कीजिए या 8 से 3 को कीजिए, क्या होगा 24। अब आपके पास बचा क्या 10, 2 से काटिए 12, 2 से काटिएगा 5, अब नहीं कटेगा, जब तक नहीं कटेगा तब तक काटना है। 12 से 10 को कीजिए या 24 से 5 को कीजिए, क्या होगा एलसीएम 120। ठीक है, इस तरह से फिर आप मान लीजिए किसी और अंक को लेते हैं, जैसे लीजिए बड़ा सा बड़ा अंक को, जैसे मान लीजिए 15 है 30 है 60 है 45 है, किसी को भी ले रहे हैं। अब यहां पर आपको क्या देखना है, कहीं पीछे का टेबल में आगे वाला चीज नहीं आ रहा, जैसे 15 का टेबल में 30 आ रहा है 15 को छोड़ देंगे, 30 का टेबल में 60 आ रहा है 30 को छोड़ देंगे। अब 60 और 45 को निकालना है तो मान लीजिए कि आपको 15 का टेबल नहीं आ रहा, इस स्थिति में हम क्या करेंगे 5 का टेबल से काटेंगे 5 9 45 12 30 60। अब हम देख रहे हैं कि फिर कट रहा है, किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 से 3 3 का 9 3 4 12। अब आपको क्या करना है 4 से 45 को कीजिए या 60 से 3 को कीजिए, क्या होगा 180। ठीक है, इस तरह से कितना भी लंबा डिजिट है इसको आप काट काट के शॉर्ट करके दो दो अंक का निकाल कर आप एलसीएम निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये तो ठीक हुआ, अब कभी आपको डिवाइड में मिलेगा, जैसे मान लीजिए मिल गया 5/2, ठीक है 10/3, 12/, कुछ भी लीजिए 5। इस स्थिति में क्या है, अगर बटा में रहता है डिवाइड में रहता है और अगर उसका एलसीएम निकालने के लिए आए तो आपको क्या करना है, ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ निकालना। देखिए अगर एलसीएम निकालना है तो 5 10 में गया 5 को छोड़ दीजिए, यानी 10 और 12 को लेना है, 2 से काटिए 6 2 से काटिएगा 5, यानी 6 से 10 को कीजिए, क्या होगा एलसीएम हो गया 60। अब एचसीएफ, एचसीएफ में अगले जो प्रोग्राम बना होगा उसमें आपको हम एचसीएफ बताएंगे कैसे शॉर्ट में निकाला जाता है। अभी देखिए 2, 3 और 5 इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होता है कि सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है जिससे कि आप सारा को सारा काट सकते हैं, अगर नहीं कटता है उस स्थिति में एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, यानी 60/1, यानी इसका एचसीएफ होगा 60। ठीक है, ये तो हुआ आपका डिवाइड में। अगर आपका कभी रहता है पॉइंट में, उस स्थिति में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 1.2.36.7.2 यही है, अगर इस तरह का एलसीएम निकालना है तो आपको एलसीएम पहले सबसे पहले आपको पॉइंट को हटाना होगा, उसके बाद आपको आना होगा, जैसे मान लीजिए इसका पॉइंट हटाते कितना होगा 10, इसको पॉइंट हटाइएगा कितना होगा 100, इसको पॉइंट हटाइएगा 10। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहां पर 100 है आप इसको भी 100 कीजिए ऊपर और नीचे 1 1 0 बढ़ा दीजिए। अब इस स्थिति में क्या होगा, आपका एलसीएम निकालना आसान हो जाएगा, 120 भी 720 में जाएगा, 36 भी 720, यानी इसका एलसीएम क्या होगा 720। ठीक है 720, एचसीएफ क्या होगा 100, यानी अब अगर सबको आप डिवाइड करते हैं तो 7.2,
इस तरह से आप किसी भी डिजिट का एलसीएम शॉर्ट में जल्द से जल्द निकाल सकते हैं। हम मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि मुझे इस तरह का प्रोग्राम बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।